एक आदमी का वाक्या लिखा है कि उसने अपनी बेटी को बड़ा नाज नेमत से पाला कि मेरी बेटी बड़ी प्यारी है, खूबसूरत है, अकलमंद है, और उसको मॉडर्न तालीम दिलवाई और वो बेपर्दा फिरती थी। अल्लाह की शान के जवानी में उस बच्ची को मौत आ गई। तो बाप ने ख्वाब देखा तो ख्वाब ने अपनी उस बच्ची का कि उसका सर बिल्कुल बालों के बगैर खोपड़ी है सिर्फ, और उसके दोनों होंठ बिल्कुल जैसे किसी ने काट दिए हो तो सीधा उसके दांत नजर आ रहे हैं, और हाथ और पांव जख्मी है। इस हालत में उसको ख्वाब में देखा, उसने कहा बेटी क्या हुआ? कहने लगे अब्बा जान जब मैं यहां आई तो मुझे फरिश्तों ने कहा तू नंगे सर फिरती थी, तुझे इसकी सजा मिलेगी, चुनाचे मेरे सर को बड़ा बना दिया गया, मेरे एक एक बाल को बढ़ के दरख्त की तरह बना दिया गया, और फिर फरिश्तों ने मेरे एक एक बाल को मेरे सर में से उखाड़ा। इतनी मुझे तकलीफ हुई कि मैं बता नहीं सकती। फिर एक फरिश्ते ने कहा अच्छा तेरा तो वुदू भी ठीक नहीं होता था, ये तू क्या किए अपने होंठों पे लगाई हुई थी? तो वो दुर्गी लगाती थी, शेरनी जैसे खून पी के हटती है ना, शेरनियां भी खून पी के हटती हैं। तो उन्होंने वो जो ऊपर लिपस्टिक थी उसको उतारने के लिए जब ऊपर के मेरे होंठ को खींचा तो मेरे दांतों तक पूरा गोश्त उसके साथ खिंच गया, फिर नीचे का खींचा, फिर वो कहने लगे हां तेरा गुस्सल नहीं होता था कि तेरे नाखूनों पर भी कुछ लगा हुआ था? तो उन्होंने मेरे नाखूनों पर जो नेल पॉलिश थी उसको उतारने के लिए जो खींचा तो मेरे सारे नाखून ही खींच गए। अब भजान अब मैं इस हालत में आज अगर अपनी बच्चियों को हम दीन इस्लाम की तालीम नहीं देंगे तो कल इन बिचारियों के साथ पता नहीं आखिरत में क्या मामला होगा। मर्दों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बच्चियों को दीनी तालीम दिलवाएं, तकवा परहेजगारी की जिंदगी सिखाएं ताकि इसी जिंदगी में वो अपने रब को मना सकें, अपनी आखिरत को बना सकें। आज वक्त है जितना भी बड़ा कोई गुनहगार हो अगर वो तौबा कर लेगा अल्लाह ताला उसके जिना का गुनाह, उसके झूठ का गुनाह, गीबत का गुनाह, जो भी गुनाह होगा अल्लाह ताला सब गुनाहों को माफ फरमा देंगे। इसलिए आज हम अपने हाथों से अपनी आखिरत को बना रहे हैं या अपने हाथों से अपनी आखिरत को बिगाड़ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी आखिरत हमें अपनी आखिरत संवारने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।